तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम पावर बीआई पे एक डैशबोर्ड बनाएंगे। जी हाँ, बहुत ही अट्रैक्टिव और सिंपल डैशबोर्ड बनाने की कोशिश में कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा देर पहले ही एक इंटरनेट से एक सैंपल दिया था, क्योंकि सैंपल होना जरूरी है। तो इंटरनेट से मैंने सैंपल लिया था कि इस तरह का हमें एक डैशबोर्ड तैयार करना है। तो चलिए तैयार करते हैं। तो यहाँ हमारे एक्सेल फाइल पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है, तो एक्सेल फाइल पे हम जाते हैं और डैशबोर्ड 7, जो आज ही मैंने इसको सेव किया है, इस फाइल को लेते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं। थोड़ा सा जब डेटा पैच होता है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो एक्सेल के डेटा को हम पावर बीआई में पैच कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और हम इसको लोड कर रहे हैं। तो ये डेटा पैच हो गया। आप यहाँ पे देखिए इसमें डेटा वाले सेक्शन में, क्योंकि इसके तीन सेक्शन होते हैं, मॉडल, डेटा एंड रिपोर्ट। तो रिपोर्ट यहाँ पे बनती है और डेटा यहाँ पे। तो एक बार रिपोर्ट को बनाने से पहले एक बार हम एक चीज कर देख लेते हैं। डेटा मेरा क्या है? जो मेरा डेटा है इसमें आप देख रहे हैं डेट है, यहाँ पे डिवाइसेस हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस के जरिए, सेल का डेटा है कि कौन कौन से डिवाइसेस के जरिए सेल हुई है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट सेल हुआ है। देन यहाँ पे हमारे पास टाइप है कि कौन कौन से कस्टमर्स ने लिया है, और यहाँ पे हमारे पास वाया किसके थ्रू, कॉल से सेल हुआ है या इससे ऑनलाइन हुआ है या फिर अननोन, मतलब कि सोर्सेस पता नहीं है, अननोन सेल हो गया। ब्लैंक रो जो है यहाँ पे आया हुआ है, इस पर से ब्लैंक भी दिखा रहा है, तो मैं ब्लैंक रो को डिलीट कर देता हूँ यहां से। एक कॉलम को डिलीट कर दिया मैं, एक बार रुक जाइए, मैं दोबारा से मुझे इस डेटा को लोड करना पड़ेगा। नए डेटा पे ब्लैंक्स है, इस कारण से ब्लैंक आ रहा है, तो एक बार मैं ब्लैंक को रिमूव कर दूंगा। सारा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ओके, तो हम डैशबोर्ड्स पे काम कर रहे हैं। मैं कल भी एक डैशबोर्ड बनाया था, आज भी एक डैशबोर्ड हम बना रहे हैं। अगली अभी आपकी जो 8-10 क्लासेस में 8-10 डैशबोर्ड ही बनेगी। ओके सर। डेटा को सेव किया, तो ये डेटा है मेरा। अब इस डेटा को हम पावर बीआई पर लाते हैं ताकि हम रिपोर्ट बना सकें। तो यहाँ होम मेनू बार में ही हमारे पास होता है ना, गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल, सेव सेलेक्ट किया आपने डेटाबेस को एंड ओके, सीट को सेलेक्ट किया। कुछ मिनट्स लगेंगे, कुछ सेकंड्स लगेंगे और डेटा हमारा लोड हो जाएगा। यस, डेटा हमारा लोड हो गया। तो डेटा में हमारा डेट है और यहाँ पे सारे डिवाइसेस में दिख रहा है मुझे। एक मिनट, एक ब्लैंक। चलिए तो डेटा को समझ लेते हैं एक बार कि
कि हमारे पास डेट है, डिवाइसेस है, नेटवर्क है, प्रोडक्ट है सॉरी, इसके बाद टाइप है मैंने कस्टमर टाइप है हमारा, ये किसके थ्रू सेल हुआ है, और कंपनी के थ्रू हुआ है, सप्लायर के थ्रू हुआ है, मैन्युफैक्चरर के थ्रू हुआ है या सप्लायर के थ्रू हुआ है, और कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है। अब चलते हैं अपने रिपोर्ट्स की तरफ। तो यहाँ मुझे इस तरह के कुछ रिपोर्ट्स चाहिए होगा, इस तरह के। तो सबसे पहले मुझे यहाँ मंथ वाइज रिपोर्ट चाहिए। जी हाँ, मंथ वाइज। तो अगर मैं स्लाइसर से ऐड करूँ ताकि रिपोर्ट मार से उसकी अकॉर्डिंग चेंज हो, तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं डेट को उठाया, यहाँ पे डेट को यहाँ रख दिया, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि ये पूरे साल का 365 का डेट का डेट इस तरह का डेट इस फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ अगर मैं ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, डेट आपको इस तरह से आ रहा है। इसमें ग्रुपिंग सिस्टम नहीं होता, जैसे पिवट में हमारा ग्रुप सिस्टम होता है, से लिस्ट कर देता हूँ तो लिस्ट आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे अगर बिफोर आफ्टर बिटवीन या रिट्रीव टाइम कर दूँ तो आ सकता है। तो यहाँ पे हम कल की क्लास में आपको एक्सप्लेन किए थे कि मुझे मंथ वाइज चाहिए, तो डेटा को हम न्यू कॉलम ऐड करके इसका मंथ अलग कर लेते। तो यहाँ पे हम जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगता है, ऐसे यहाँ भी फॉर्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे हम देते हैं मंथ, और मंथ में यहाँ हम दे रहे हैं फॉर्मेट का फॉर्मूला। जैसे एक्सेल में टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है, यहीं पे फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है, डेट। और यहाँ पे हम कर देते हैं MMY। इसी का हो, इसमें से मंथ अलग होके आ जाएगा। लेकिन ये जो मंथ अलग होके आया है, अब मैं अपने स्लाइसर पे यहाँ पे आता हूँ और इंसर्ट स्लाइसर्स, और इसमें मैं अपना मंथ को डालता हूँ, तो मंथ आप देखेंगे इस तरह से आ गया। लेकिन मुझे इसको ड्रॉप डाउन वे में चाहिए, तो मैं ड्रॉप डाउन कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको साइड में यहाँ रख देता हूँ। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर ये बनता है, रिपोर्ट बनता है, तो उसकी टाइटल होना जरूरी है। वो हमें सबसे पहले इसमें टाइटल इंसर्ट करने हैं। इंसर्ट, इसमें आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेंगे, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स हमने किया, और हमने अपना टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 32 कर देता हूँ। हम यहाँ पे कर देते हैं मंथली, थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए, अच्छा लगेगा बोल्ड। हमने इसको बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन होना चाहिए, अंडरलाइन कर दिया। इसकी फॉन्ट वगैरह यहाँ से चेंज की जा सकती है, यहाँ से कलर की, इसकी फॉन्ट की कलर क्या होना चाहिए, तो मैंने बोला इसके ए होना चाहिए। इसको उठा के आप इसके टॉप पे रख दें, ये आपका आ गया सेल्स का। मुझे जो चाहिए, जैसे ये है हमारा कि एक मतलब कि मुझे फिगर्स में चाहिए कि टोटल पहला पहला ऊपर का प्रोडक्ट है कि टोटल कंप्यूटर कितना हुआ, एक कितना हुआ। तो इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए हमें ग्राफ वगैरह नहीं चाहिए तो डेटा ले लेते हैं, बट डेटा में उस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है जो फॉर्मेटिंग हमें चाहिए। उस तरह की फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है, प्रोडक्ट में हम देते हैं क्वांटिटी यहाँ देते हैं, इस तरह से आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट, लेकिन वो मतलब कि फॉर्मेटिंग उस तरह की नहीं आ रही है। तो यहाँ हमारे पास सैप्स होते हैं, तो सैप्स में रेक्टेंगल होता है, हमने यहाँ से रेक्टेंगल को लिया। इसकी कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे होता है आपका पूरी फॉर्मेटिंग होती है। बैकग्राउंड हमारा ऑन ऑफ है, ऑन कर देता हूँ। जो बैकग्राउंड कलर व्हाइट है उसके जगह पे मैं ब्लू कर देता हूँ। जैसे
हमारा फिल में हमने ये ले लिया। अब इसमें मुझे ए 108 और एक प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे पीसी डिवाइस नहीं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है ना मैं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास एक कंप्यूटर है, एलसीडी है, नेटवर्क है, प्रिंटर है, रैक है एंड सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम आते हैं कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर का, यहाँ पे हम आते हैं यहाँ क्विक में, इसमें न्यू मेजर्स में, और यहाँ हम लगाते हैं फॉर्मूला इसका, तो यहाँ लिखते हैं कंप्यूटर। सम एक्स का फॉर्मूला, जैसे एक्स में सम इफ होता है, यहाँ पे सम एक्स होता है। और यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं, फिल्टर, फिल्टर में हम लगाते हैं फॉर्मूला किसका, हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं डेटा, और क्या होना चाहिए इसमें डेटा का, हमें डेटा का हमने बोला जो प्रोडक्ट है हमारा इक्वल टू कंप्यूटर सम करना है, तो हमें क्वांटिटी का सम करना है डेटा, ये आपका आ गया कंप्यूटर यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे एक ये कार्ड देना होगा, क्योंकि डेटा जो कंप्यूटर का जो टोटल सम आया है वो ऐसे दिखेगा नहीं, एक कार्ड के ऊपर ही दिखेगा, तो कार्ड के ऊपर रख दिया, तो 170 के आ गया। तो वंस ये कंप्यूटर का, इसको उठाता हूँ इसके ऊपर रखता हूँ, बट इसकी हाँ इसका एक काम है कि मुझे ये रेक्टेंगल डालने की जरूरत नहीं है, बगैर रेक्टेंगल के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो कार्ड है इसकी भी बैकग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड डिफॉल्ट जो है वाइट है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ब्लू, और इसकी जो टेक्स्ट कलर है इस पे डेटा लेबल पे आते हैं, जो ब्लैक है ब्लैक के जगह पे कर देता हूँ व्हाइट। यूनिट जैसे कि 17K है, इसके जगह पे अपना खुद का जगह चाहते हैं तो कुछ चीजें भी दे सकते हैं। अब टाइटल है, टाइटल नहीं हट गया, इसमें टाइटल अवेलेबल नहीं है, टाइटल करता हूँ तो टाइटल यहाँ ऊपर आता है, तो टाइटल काफी रहेगा। कैटेगरी ऑन है, इसका कलर ब्लैंक है, इसके जगह पे मैं कर देता हूँ इसको वाइट, और इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहां से इसको हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको रखने की जरूरत नहीं, बट प्रॉब्लम है कि जब इसको बनाते हैं तो एक एकदम बैग मैंने सेंटर में रहेगा, बट मैं चाहता हूँ ऊपर रहे, यहाँ पे नीचे कंप्यूटर, यहाँ पे मैं आइकन वगैरह देना चाहता हूँ कंप्यूटर का, पिक्चर्स देना चाहता हूँ लोग, मैंने कि वर्ड आर्ट, तो उस केस में ये चीज सही नहीं है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ इसका बैकग्राउंड को ऑफ कर देता हूँ, और इसको उठाता हूँ इस पर रखता हूँ, छोटा कर दीजिए इसको, हाँ छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, इस जगह पे फिट होगा तो ये बेटर रहेगा। अब मुझे यहाँ पे कंप्यूटर का आइकन चाहिए, तो कैसे होगा, तो उसी के लिए हम गूगल पे जाते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए तो गूगल पे ही जा रहे हैं, तो गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं पे आते हैं, बहुत सारे आइकन्स हैं, आप अपने हिसाब से देखना चाहिए कौन सा आइकन आपके सिस्टम वहाँ पे फिट हो रहा है, वो आप ले सकते हैं, या पीसी चाहिए मैं ये पूरा का पूरा पिक्चर ही चाहिए, तो मैं कॉपी इमेज किया, यहाँ इंसर्ट के अंदर डायरेक्ट, यहाँ ऐसा नहीं कि आपने कंट्रोल वी कर दिया आपका आ गया, नहीं आपको इमेज में आना। अब इमेज में यहां से इमेज को लेना पड़ेगा, अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसको सेव करना पड़ेगा, सेव इमेज एज,
कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। तो फिलहाल मैं मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेंड कर देता हूँ इमेज को, फिर मैं यहां से इमेज को उठाता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ और एक इमेज इसको ले लिया, क्या आ गया, इसको छोटा कीजिए और यहां पे रख दीजिए, इसकी बैकग्राउंड ऑन कर देता हूँ और बैकग्राउंड का कलर जो है वो होना चाहिए ब्लू, तो आते हैं फिर भी उतना ही वही चीज व्हाइट तो दिखेगा नहीं। तो इसी तरह से आपको फिर जो मैंने एक बनाया है इसी तरह से बाकी भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है सारा जी? जी सर, इसको बाकी बनाने पड़ेंगे आपको, बाकी को यहां से क्या करना है, सेट्स को लेना है, रेक्टेंगल यहां लेना है, सीक्वेंस में रखना है आपको, इसकी बैकग्राउंड को ऑन करना है और बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट नहीं, ये नहीं, फिल माफ कीजिएगा बैकग्राउंड नहीं, इसका फिल होगा, फिल ऑन है, व्हाइट के जगह ग्रे के जगह पे ब्लू कर दीजिए या कोई और कलर करना कर दीजिए। उसके बाद फिर आप जाइए होम पे मेजर्स में, न्यू मेजर्स, अब कंप्यूटर के जगह पे अब हमारा नेटवर्क आएगा, और यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला सम एक्स का, और यहां पे फॉर्मूला लगेगा फिल्टर का, और फिल्टर में हम डेटा को सेलेक्ट करते हैं और सम इफ की तरह वर्क करता है तो पता ही आपको, और यहां पे हम देंगे अपना कि भाई डेटा का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेटवर्क, बाद हमें सम क्या चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया और फिर यहां एंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद फिर हम यहां पे कार्ड को लेंगे, कार्ड पे अपना नेटवर्क का टोटल डालेंगे, इसकी फॉर्मेट में जाएंगे, इसकी बैकग्राउंड बैकग्राउंड ऑफ है और फिर इसको लेके एरिए पे इसको हम सेट कर देंगे, और इसका जो डेटा लेवल है इसकी कलर वाइट होनी चाहिए ताकि अच्छा दिखे, और ऐसे ही यहाँ आपको दिख रहा होगा कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी भी वाइट होनी चाहिए, आ गया। अब मुझे नेटवर्क का लोगो चाहिए तो मैं यहाँ पे नेटवर्क पर नेटवर्क तो बहुत सारे हैं तो जो आइकन्स आपको आपके डेटा के लिए सुटेबल है उसको ले लीजिए, जैसे कि जो आपकी रिपोर्ट के भी रिपोर्ट आइकन है, जैसे इसी को ले लेता हूँ मैं, सेव सेव इमेज, और इसको भी डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ सेव। अब मैं यहाँ जाता हूँ इंसर्ट इमेज, ठीक है सर? तो ये रिपोर्ट जो डैशबोर्ड अभी मैंने आपको बताया ये इसी तरीके से बन जाएगा। लास्ट में जो है आप एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मल्टी लेयर रो होता है, मल्टी रो कार्ड होता है, तो उसमें मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को रख दिया,
ऑफलाइन टाइप, हाँ होम ऑफिस, ये नीचे आ जाएगा टाइप, इसको भी छोटा कर दीजिए। इसकी भी अपनी फॉर्मेटिंग है, अपनी फॉर्मेटिंग इसका यूज कर सकते हैं, डेटा मॉडल इसका क्या कलर होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड, आप यहाँ से डायरेक्ट इसकी बैकग्राउंड को कलर कर दीजिए, बैकग्राउंड बैकग्राउंड व्हाइट है, इसके जगह पे आप ब्लू कर दीजिए, और डेटा लेवल आप ब्लैक के जगह पे व्हाइट कर दीजिए, एंड कैटेगरी है यहाँ पे, कैटेगरी को भी उठाइए और यहाँ पे व्हाइट कर दीजिए। ठीक है, और इसके आगे जो है आप इसका इमेजेस डाल सकते हैं आसानी से, इसके आगे इसका इमेजेस को आसानी से डाल सकते हैं। तो टाइम की कमी के कारण मैं ये आज की जो ये सेशन है मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इसको हम कल कंटिन्यू कर लेंगे। सर रिकॉर्डिंग और भेज देना कल की भी नहीं सेंड। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। ओके बाय। तो यूट्यूब